प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सुप्रभातम। सभी विद्यार्थी हर्ष के साथ इस वीडियो को देखें, समझें और लिखें। वीडियो के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप सहर्ष पढ़ें। आज अपने संधि का जो तीसरा जो भेद है विसर्ग संधि, ये आपको बताई जा रही है कि विसर्ग संधि जो है इसकी परिभाषा क्या है। यदा विसर्गस्य स्थाने, जब विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग क्या होता है, जैसे ये होता है विसर्ग, ये विसर्ग के स्थान पर को अपि परिवर्तन भवति, कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार होता है, कोई नया वर्ण, कोई नई चीज़ आती है, परिवर्तन होता है, तदा सह विसर्ग संधि होती, तब वह विसर्ग संधि होती है। क्या होती है कि जब विसर्ग संधि के स्थान पर, जब सॉरी विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, कोई नया विकार होता है, उसको कहते हैं विसर्ग संधि। या दूसरा दिया है कि यदा विसर्ग से स्वर वर्णेन, जब विसर्ग का स्वर वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण के साथ मेलनम भवति, मेल होता है, जब विसर्ग का स्वर वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है, तदा विसर्गे कश्चित विकार भवति, तब विसर्ग में, विसर्ग क्या होता है, ऊपर नीचे दो बिंदु, उस विसर्ग में क्या होता है, विकार भवति, विकार होता है, तदा तम विसर्ग संधि कहते थे, तब उसको विसर्ग संधि कहते हैं। मुख्य रूप से विसर्ग संधि के पांच भेद हैं। कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। नंबर एक ए है सप्त संधि, ब उत्त संधि, उत्तर संधि दो है तो इसलिए इसको फर्स्ट, सह उत्तर संधि सेकंड, तय है विसर्ग संधि, और यह है रुत्व संधि। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने स्वर संधि पढ़ाई, उसके सात भेद आपको बताए, फिर व्यंजन संधि पढ़ाई, उसके पांच भेद बताए। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, विसर्ग के स्थान पर कोई नया विकार होता है, उसको कहते हैं विसर्ग संधि, उसको कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? पांच। कितने भेद हैं? पांच। सत्व संधि, उत्तव संधि जिस फर्स्ट, उत्तव संधि सेकंड, यानी ये दो संधियां हैं, ये इसके अलग अलग नियम हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड का नाम दिया इसको। फिर है विसर्ग संधि, विसर्ग का ही भेद विसर्ग और है, और फिर है रुत्व संधि। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों अपने पाँच भेद हैं, पांच भेदों में, यानी विसर्ग संधि के पांच भेद हो गई, पांच भेदों में आपको अब पढ़ाया जाएगा सत्व संधि। पहला है अपना सत्व, सत्व संधि, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है खरी परी विसर्जनीय शे सहस्यात्।
प्रिय विद्यार्थियों, इसके तीन नियम हैं अपने पास। खरी परी, अभी आपको मैं चतर संधि में पढ़ाया था कि खर खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो खरी परी यानी प्लस से इधर खर प्रत्याहार के वर्ण होने पर विसर्जनिष्य विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे अपने पास ये है कि जब जब विसर्ग से परे च या छ वर्ण हो तो विसर्ग का ये स होगा। जब विसर्ग से परे तय या ठय वर्ण हो तो विसर्ग का ये स होगा, तथा विसर्ग से परे तय या थय वर्ण आए तो विसर्ग का ये स होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दिया गया इसमें तीन नियम हैं सत्व संधि में कि जब विसर्ग के आगे सरीपाड़ा स हो, सॉरी विसर्ग के आगे चय वर्ण या छ वर्ण खर प्रत्याहार के वर्ण है, ये वर्ण आ जाए तो विसर्ग का हो जाएगा सरीपाड़ा स। अगर विसर्ग के आगे टय या ठ आता है, टय वर्ग का टय या ठ आता है, ठकार आता है, तो विसर्ग का हो जाएगा षटकोण वाला से। अगर विसर्ग के आगे सवा विसर्ग के आगे तय तैवर का तय और थकार ये आते हैं तो विसर्ग का हो जाएगा सवार वाला से। तो मैं आपको बताऊं, पहला जो नियम है अपने पास, नियम एक है कि जब विसर्ग के आगे चय या छय हो तो इस विसर्ग का हो जाएगा ये से। जैसे कह प्लस चित्त। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इस विसर्ग से आगे चय आया, इस विसर्ग के आगे चय आया तो ये चय, तो इस चय के होने से इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ये स हो गया। तो क्या बनाइए, कश्चित। उसी प्रकार से आगे जो है, आगे देखिए आप, जैसे राम है प्लस चय, तो इस विसर्ग के आगे क्या आया, चय आया, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये स। तो क्या बनाइए, रामश्चय। इसी प्रकार से आपके सामने जो इसी के इसके उदाहरण है, रामश्चय है, कश्चन है निश्चल है इत्यादि शब्द इसके आए, पहले नियम की ये शब्द आए। अब जो दूसरा नियम है अपने पास, जो दूसरा नियम ये है नियम नंबर दो है कि जब विसर्ग के आगे अगर मान लो टय आ गया या ठय आ गया तो इसकी जगह हो जाएगा ये से। जैसे कह प्लस टय, अब इस विसर्ग के आगे टय आया तो इस विसर्ग का हो जाएगा ये से। कैसे बनाया, कष्ट है। इसी प्रकार से नष्ट है, इसी प्रकार से धनुष्टंकार है, इसी प्रकार से पेष्टा, हाँ
पेष्टा, ये शब्द बने इसके, इस नियम के। तीसरा जो नियम था इसका वो ये है, तीसरा नियम कि जब विसर्ग के आगे, नियम नंबर तीन, जब विसर्ग के आगे मान लो तय वर्ण आता है या थे आता है तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का हो जाएगा ये सवार वाला से। जैसे नमः प्लस ते, अब इस विसर्ग से आगे तय आया, तय वर्ण आने से इस विसर्ग का हो जाएगा ये सवार वाला से, तो क्या बनाइए नमस्ते। इसी प्रकार से इतस्तत, इसी प्रकार से इतस्तत है, मस्त है, मस्त है, मस्त, इत्यादि शब्द इसके बने। प्रिय विद्यार्थियों, आपको तीनों नियम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इन तीनों नियमों के आधार पर ये जो सत्य संधि है ये चलती है। ये विसर्ग संधि का पहला भेद है। आज के वीडियो के माध्यम से यही आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद।